आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप्सरा साधना कैसे की जाती है, इसकी साधना विधि क्या है। देखिए, साधना अत्यंत ही सरल होती है, जिसे कोई भी साधक गुरु से विधिवत दीक्षा लेकर आसानी से संपन्न कर सकता है तथा इस साधना से साधक का व्यक्तित्व निखर कर बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सक्सेस होना तो निश्चित है आपका, चाहे वो किसी भी कार्य में हो। तो शुक्र के प्रभाव काल अर्थात 24 वर्ष तक की आयु के साधक की ऊर्जा प्रबल और उत्तम होने के कारण विधिवत दीक्षित होकर पूर्णतः गुरु के निर्देश में रहकर सभी आवश्यक नियमों का पालन करते हुए 7 से 9 दिन में यह अप्सरा साधना पूर्ण कर अप्सरा सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है तथा इससे अधिक आयु के साधक को ऊर्जा के बल की न्यूनता के कारण साधना में 3 गुना तक का ज्यादा समय लग सकता है और इस साधना को कोई भी संपन्न कर सकता है। अब इसके लिए करना क्या है, साधना करने के लिए आप एकांत स्थान चुन सकते हैं, वही उत्तम रहेगा। उस स्थान पर जाकर आप सफेद वस्त्र बिछा लें और पीले चावल का इस्तेमाल करना है आपको, उसको इस्तेमाल करके एक यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे वस्त्र धारण करने हैं या ऐसे वस्त्र धारण करें जो सुगंधित हो और उस पर इत्र लगाओ। इसके बाद आपको एक मखमल का आसन लगेगा, मुख जो है उत्तर दिशा में होना चाहिए। जो यंत्र आपने बनाया है उसका पंचोपकर पूजन कर लें और जिस कमरे में आप बैठे हैं उसमें गुलाब के इत्र का प्रयोग कीजिए। आपके आसपास का जो पूरा माहौल है वो चारों तरफ सुगंधित होनी चाहिए। इसके बाद गुरु गणपति का ध्यान करना सबसे पहले और स्फटिक के माला के ऊपर आपको मंत्र पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर चंद्र ग्रहण के समय आप करते हैं तो उससे आपको अपार सफलता मिलती है और जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उसी जगह पर सो जाया कीजिएगा। अगर आप कुछ दिन की साधना कर लें तो हम स्वयं ही महसूस कर सकते हैं कि साधना का प्रभाव क्या है। हो सकता है घुंघरू की आवाज वगैरह आपको सुनाई दे। तो चलिए अब हम आपको विधिवत जरा बता दें, अप्सरा से मुलाकात ही तो करनी है आपको। तो अप्सरा से मिलने के लिए आपको कुछ विशेष अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार अप्सराएं कई प्रकार की है, जैसा कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया, और सभी के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप करना होगा, परंतु सभी की अनुष्ठान विधि एक ही होती है। अप्सरा प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना होता है जो आप किसी भी योग्य पंडित से पूछ सकते हैं। तत्पश्चात नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप एक अप्सरा की मूर्ति या प्रतिमा ले लीजिए या जो यंत्र मैंने आपको बनाने बोला वो कर लीजिए। उसे सुगंधित पुष्पों की माला पहनाइए, पूजा अर्चना कीजिए और मंत्र का जाप शुरू कीजिए। सामान्यतः जो साधना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 से 9 दिनों तक चलती है। उस वक्त आपको सात्विक रहना है। इस दौरान आपको बाहरी जगत से बिल्कुल संबंध तोड़कर सात्विक जीवन जीना चाहिए। पूजा के दौरान आपको अपने पास एक गुलाब की माला, पंचमेव प्रसाद और घी का दीपक रखना चाहिए। इसके बाद जो माला मैंने आपको बताया वो स्फटिक का होना चाहिए और उसके बाद फिर अप्सरा मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे ही आपका मंत्र जाप पूर्ण होगा, अप्सरा का जो फील है वो आप महसूस करोगे, उसकी आवाज आप सुन सकोगे, आप उसे गुलाब की जो माला आपने रखी हुई है आप उन्हें अर्पित करके आप उनसे वचन ले सकते हो कि वो सदैव आपके साथ रहेंगी और आपकी इच्छा पूर्ण करती रहेंगी। आपके इच्छा अनुसार अप्सरा आपके साथ माँ, बहन अथवा प्रेमिका या पत्नी के रूप में रह सकती हैं। तो ये हुआ उनको बुलाने का तरीका। अब जो मंत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए,
आपके मन में काम वासना नहीं आनी चाहिए। देवी को आपको मंत्र जब समर्पित करना है, जप के बाद ये 12 पूजा स्थान पर जल छिड़क दीजिएगा। मंत्र जप के बाद आसन पर ही आप 5 मिनट आपको आराम भी करनी है। अंतिम दिन जब आपको एहसास हो जाए कि अप्सरा ने दर्शन दे दिया है या फील हो जाए कि अप्सरा आ गई है, तो फिर मिठाई इत्यादि अर्पित करें और प्रसन्न होने पर अपने मन के अनुसार वचन लेने की कोशिश कर सकते हैं। और पूजा के अंत में 1 चम्मच जल आसन के नीचे जरूर डाल दें और आसन को प्रणाम करके उठे, ओम तत्सत। मंत्र जो है वह ओम उर्वशी प्रिय वंशम करुण करी हूं, ओम उर्वशी प्रिय वंशम करीम हूं। अब जिस मंत्र से आपको आह्वान करना है वो हम आपको बता देते हैं। ओम रम छम रम भे आगच्छ आगच्छ छम रम ओम नमः। ओम रम छम रम भे आगच्छ आगच्छ छम रम ओम नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप जब भी अप्सरा को बुलाना चाहें तो इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं और वह आपके सामने प्रकट भी हो सकती हैं। अगर प्रकट नहीं होगी तो उनका एहसास जरूर आपको होगा और वो आपकी इच्छाओं को पूरी जरूर करेंगी। आपकी परीक्षाएं गलत नहीं होनी चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इच्छाएं गलत नहीं होनी चाहिए। मंत्र मैं नहीं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योंकि नहीं लिखना चाहिए, नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। किसी भी मंत्र का अगर कोई शक्ति है, अगर आप हासिल कर लेते हैं तो कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप दूसरा मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम ह्रीम रंभा अप्सराय आगच्छ गच्छ स्वाहा। ओम ह्रीम रंभा अप्सराय आगच्छ गच्छ स्वाहा। हो सकता है उम्र के हिसाब से, हो सकता है साधना आपको 42 दिन तक करनी पड़े और रोज इसके 108 माला तक जप करने होते हैं। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब अप्सरा जो का जो यंत्र आपने बनाया है या जो मूर्ति आपने रखा है उसे एक धागे में पिरो ले सकते हैं और अपने गले में पहन सकते हैं यदि आपने यंत्र खुद बनाया है तो। इसके बाद जब भी आप अप्सरा का साथ चाहते हैं तो आपको 3 बार मंत्र का जप करना होगा। अप्सरा आपके सामने होगी या उनका एहसास होगा। बहुत सारे इनके मंत्र हैं, ओम रंबे अगच्छ पूर्ण यौवने संसुते, ओम रंबे अगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते, ये भी साधना विधि का एक मंत्र है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।